शशि थरूर राजनेता हैं, अक्सर अपनी अंग्रेजी के लिए चर्चा में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, कई किताबें लिख चुके थरूर को साहित्य अकादमी जैसा अवार्ड भी मिला हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि शशि जी पहुंचे हुए फकीर हैं और अब अपनी तमाम क्वालिटीज के साथ वह क्रिकेट प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। और इन्हीं क्रिकेट प्रेमी शशि थरूर के एक आर्टिकल की कुछ लाइंस के जरिए मैं शुरू करने वाला हूं एक किस्सा उस प्लेयर का जो स्कूल के जमाने से ही दिग्गजों में शुमार हुआ, सालों इंतजार के बाद इंटरनेशनल डेब्यू किया, डेब्यू पर ही सेंचुरी मारी और फिर धीरे धीरे खो गया। वो प्लेयर जिसके भाई को आप हाल ही में अपने नज़दीकी सिनेमा घर में बैक टू बैक दो मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतते देख कर आए हैं। अगर नहीं देखा तो मैं सच में आपको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ अब और भूमिका ना बांधते हुए किस्से की शुरुआत कर देते हैं। थरूर ने एक किस्सा साल 2011 में क्रिक इन्फो के लिए लिखा था। थरूर लिखते हैं, साल 1967 लंदन के बेहद ठंडे समर की एक शाम इंग्लैंड टूर पर आई भारतीय स्कूल टीम का मैच, आखिरी तीन गेंदे बाकी, जीत के लिए 11 रन की जरूरत। पहली गेंद तेजी से स्विंग होती हुई आई और स्टंप बिखेर गई। अब आया एक गुस्ताख लबड़ हत्था, माहौल से अविचल पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब मैच की आखिरी गेंद, टीम को जीत के लिए अभी भी 5 रन चाहिए थे। फास्ट बॉलर भागता हुआ आया और इधर ये लेफ्ट हैंड बैटर भी बेखौफ क्रीज छोड़ उसकी ओर चल पड़ा। बॉलर ने यॉर्कर मारने की कोशिश की जिसे इस दुस्साहसी ने फुल टॉस बना लिया और ये फुल टॉस बल्ले से टकरा कर चीत्कार करते हुए बाउंड्री के बाहर तैर गई। भारतीय स्कूली टीम ने मैच जीत लिया। अगले दिन भारत की सुबह में उस दौर के सबसे मारक स्कूली बैटर के किस्से घुले हुए थे। अब आपको इस मारक बल्लेबाज का नाम भी बता देते हैं। लोग इन्हें सुरेंद्र अमरनाथ कहकर पुकारते हैं और इनके छोटे भाई मोहिंदर अमरनाथ को 1983 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया था। अब आप ये भी जान गए होंगे कि इनके पिताजी लाला अमरनाथ थे जिन्हें इंडियन क्रिकेट के शुरुआती नायकों में से एक माना जाता है। कानपुर में 30 दिसंबर 1948 को पैदा हुए सुरेंद्र शुरुआत में दाएं हाथ से बैटिंग करते थे, लेकिन लाला जी के समझाने पर उन्होंने बाएं हाथ से बैटिंग करनी शुरू कर दी और एक बार शुरू की तो चर्चा में आने में कुछ ही महीने लगे। स्कूल के वक्त से ही सुरेंद्र को इंडियन क्रिकेट का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था। और इससे पहले कि आप नेपोटिज्म वाली बात लाएं, हम बता दें कि यह प्योर टैलेंट बेस्ड था। सुरेंद्र ने सिर्फ 15 साल की उम्र में नॉर्दर्न पंजाब की ओर से रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर लिया था। यह बात थी 1964-65 सीजन की और फिर उन्होंने 1967 में एमसीसी की स्कूल टीम के खिलाफ जो किया वो तो हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी सुरेंद्र को टीम इंडिया से बुलावा आने में कई साल लग गए। डोमेस्टिक क्रिकेट में बोरा भरकर रन बनाने के बाद भी सुरेंद्र के हिस्से विदेशियों को ढूंढने का सुख नहीं आ रहा था। फिर साल 1975 में आखिरकार उनका ये दुख भी दूर हुआ। सुरेंद्र को श्रीलंका के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में मौका मिला और सुरेंद्र ने मौके का फायदा उठाते हुए सेंचुरी जड़ दी और फिर अगले मैच में 50 भी मारी और ये पेमेंट उन्हें न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज टूर का टिकट दिलाने के लिए काफी थी। अब बारी न्यूजीलैंड टूर की, पहला टेस्ट ऑकलैंड में और यहाँ बना वो रिकॉर्ड जो आज भी अमर है। सुरेंद्र ने 1976 की 25 जनवरी को रिचर्ड कोलिंग की अगुवाई वाले कीवी अटैक को जी भर धुना। ऐसा धुना कि क्रिकेट की दुनिया ने एक अनोखा रिकॉर्ड देख लिया। सुरेंद्र ने अपने डेब्यू पर ही सेंचुरी मार दी और इसके साथ ही वह अपने पिता की तरह डेब्यू पर ही सेंचुरी मारने वाले इंडियन भी बन गए और ये जोड़ी बनी ऐसा करने वाली पहली पिता पुत्र जोड़ी। और इस पारी में सुरेंद्र और गावस्कर के बीच हुई 204 रन की पार्टनरशिप ने भारत की चाय की दुकानें थोड़ी और आबाद कर दी। लोग जलेबी से लेकर समोसे तक पर चर्चा कर रहे थे कि सेलेक्टर्स ने इस हीरे को अभी तक क्यों छिपा कर रखा था। हालांकि उनकी चर्चा बहुत लंबी नहीं चली। सुरेंद्र टूर के बाकी मैचों में फ्लॉप रहे और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में भी उनका बल्ला शांति रहा और फिर सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि नंबर 3 पर अजित वाडेकर के उत्तराधिकारी घोषित किए गए सुरेंद्र को उनके ही छोटे भाई ने रिप्लेस किया। इस सीरीज के बाकी मैचों में अच्छा स्कोर कर महेंद्र अमरनाथ नंबर 3 पर टिक भी गए। हालांकि सुरेंद्र की किस्मत फिर से पलटी। 1976-77 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया को 3 और 5 टेस्ट मैचों की होम सीरीज खेलनी थी। इंग्लैंड के खिलाफ भारत पहले 3 टेस्ट हार गया, सेलेक्टर्स पगला गए। चौथे टेस्ट के लिए फटाफट छटाई शुरू हुई। खराब फॉर्म से गुजर रहे महेंद्र बाहर गए और उनकी जगह सुरेंद्र को एंट्री मिली। सुरेंद्र ने मौके का फायदा उठाया और बेंगलोर में 50 मारकर भारत को पहली जीत दिलाई और फिर मुंबई में एक और 50 मारकर अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन किस्मत के बारे में एक कहावत है, ये पलटती जरूर है और सुरेंद्र की किस्मत तो सिक्के से भी ज़्यादा पलट रही थी। 1977-78 की सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली इंडियन टीम में सुरेंद्र चुने गए, लेकिन पहले टेस्ट से पहले हुए वार्मअप गेम के दौरान एक गेंद उनके चेहरे पर लगी और वह पहले दो टेस्ट मैच से बाहर हो गए।
और ऐसा होते ही मैनेजमेंट ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। एक बार फिर से सुरेंद्र की जगह मोहिंदर को मिली। इसके बाद 1978 के पाकिस्तान टूर के लिए सुरेंद्र फिर वापस आए, लेकिन इस बार बल्ले ने उनका साथ नहीं दिया और वह एक बार फिर से टीम इंडिया से बाहर कर दिए गए और इसके साथ ही सेलेक्टर्स ने उनकी ओर से आंख बंद कर ली। 1980 के ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम सेलेक्शन से पहले ईरानी ट्रॉफी का मैच हुआ। इसमें सुरेंद्र ने कपिल देव, करसन घावरी, शिवलाल यादव और दिलीप दोषी जैसे दिग्गजों को मनचाहे अंदाज में धुना। उन्होंने इस पारी में 235 रन बनाए, लेकिन इसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर 1984-85 के डोमेस्टिक सीजन के बाद सुरेंद्र ने भारी मन से क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कई लोग मानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ और इस गलती में कहीं ना कहीं उनके पिता लाला अमरनाथ का भी रोल था। अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए मशहूर लाला जी किसी का लोट नहीं लेते थे और दबे स्वर में लोग कहते हैं कि उसका हार जाना सुरेंद्र ने भरा। सुरेंद्र ने 10 टेस्ट में 550 रन बनाए थे, इसमें एक सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी शामिल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने 10 में से 8 टेस्ट विदेशी सरजमी पर खेले थे। हालांकि कई लोग यह भी मानते हैं कि सुरेंद्र आक्रामक खेल के पक्षधर थे और इसके चलते वह कई बार सेट होने के बाद भी आउट हो जाते थे और यह बात उस वक्त के इंडियन मैनेजमेंट को नहीं पसंद थी। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, कैमरे के पीछे बाल मुकुंद थे। शुक्रिया।